आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ इलाहाबाद बैंक का पासबुक कैसे चेक करेंगे। फ्रेंड्स आप इलाहाबाद बैंक जाते हैं वहाँ पे पासबुक अपडेट कराने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप इलाहाबाद बैंक का पासबुक चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको इसमें सब डिटेल्स मिलेगी, आपने कितना पैसा कहाँ पर भेजा, आपका कितना पैसा आपके अकाउंट में घुसा, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर घंटे प्रेस किया, यूट्यूब से ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है इलाहाबाद बैंक एम्पावर। चलिए फ्रेंड टाइप कर दिया, यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करेंगे इस तरह का पेज खुलकर फ्रेंड्स आएगा। इसके डाउनलोडिंग की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 मिलियन डाउनलोडिंग, यानी कि इसको इंडिया में 10 लाख आदमी यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स को पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखा, चलिए फ्रेंड्स यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करेंगे आपके पास इस तरह का पेज खुलकर फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा सिलेक्ट योर लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज आप इसको चलाना चाहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी, जो लैंग्वेज में चलाएं वो लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे इसको लॉगिन करने का 2 ऑप्शन आ रहा है, इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड। अगर फ्रेंड आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, यहाँ से इसको डम्स को एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, लॉगिन होंगे। फ्रेंड आपके पास डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, मेरे पास डेबिट कार्ड है, यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे, डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 नंबर डालेंगे, यहाँ पे मंथ एक्सपायर डेट डालेंगे, डम्स को एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से पूरी डिटेल्स में यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये बॉक्स में आपको अकाउंट नंबर डालना है बैंक का, चलिए फ्रेंड्स यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे डेबिट कार्ड का लास्ट 6 नंबर डालना है, 6। यहाँ पे मंथ डालना है, एक्सपायर मंथ, यहाँ पे एक्सपायर ईयर डालना है, ईयर डम्स को एक्सेप्ट करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक, यहाँ पे सिलेक्ट सिम, आपका कौन सा सिम बैंक में लिंक है, जो सिम सिलेक्ट है वो सिम को यहाँ पे 1 नंबर या 2 नंबर, जो नंबर सिलेक्ट, यहाँ मेरा 2 नंबर मैंने इस पर सिलेक्ट करा और फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली दूसरा पेज खुल आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैंक से आपका एक OTP आएगा, यहाँ पर रिटेक्ट कर लेगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड यहाँ पे कन्फर्म OTP पे क्लिक करना, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको MPIN मंगा जा रहा है। फ्रेंड्स जब भी आप ये एप्लीकेशन का लॉगिन करेंगे वही MPIN यहाँ पे मंगा जाएगा, 4 अंक का MPIN आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोड डालना है 4 अंक का, 1 2 3 4, कोई सा भी कोड यहाँ पे फ्रेंड डाल सकते हो। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, वही जो ऊपर में MPIN डाले वही नीचे में डालना कन्फर्म करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे MPIN डालकर सबमिट पे क्लिक करना, सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया। फ्रेंड आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करना चाहते हो यस पे क्लिक करें, अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करना चाहते हो नो पे क्लिक करेंगे। मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं नो पे क्लिक करूँगा। नो पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे MPIN मंगा जा रहा, जो MPIN आपने यहाँ पे सेट करा है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं MPIN सेट कर लेता हूँ, जो MPIN मैंने यहाँ से सेट करा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरी आपकी डिटेल्स आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कितना बैंक में बैलेंस है वो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलेगा। अब फ्रेंड्स आपको पासबुक यहाँ पे देखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लिक करना, डिटेल्स एंड लास्ट 5 ट्रांजेक्शन इस पर आपको क्लिक करना। इस पर फ्रेंड जैसे क्लिक करें यहाँ पे पूरी डिटेल्स है गया फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कितना पैसा यहाँ पे भेजा है फ्रेंड्स, ये मेरा निकासी है फ्रेंड्स, मैंने रेड वाला है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पैसा निकाला है बैंक से, ये मेरा ये रेड कलर का पैसा निकाला हुआ है। अगर फ्रेंड्स आप कहीं पैसा ट्रांजेक्शन करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा, हरा कलर आएगा, आप कहीं पैसा भेजेंगे तो हरा कलर आएगा, अगर फ्रेंड्स पैसा निकालते हैं यहाँ पर रेड कलर आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी आपकी डिटेल्स आ गए फ्रेंड्स, यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना बैलेंस है अवेलेबल बैलेंस फ्रेंड, टोटल बैलेंस आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी आपको IFSC कोड, ब्रांच नेम, पूरी डिटेल्स आपको फ्रेंड्स यहाँ पे मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ फ्रेंड्स यहाँ से, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जाता हूँ बैंकिंग पर जाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे में यहाँ पे पासबुक, फ्रेंड्स यहाँ से आप पासबुक का एस्टीमेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पर मैंने करा फ्रेंड्स, यहाँ पे पासबुक का एस्टीमेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। और भी डिटेल्स चेक करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बैक आना है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारा फीचर आपको फ्रेंड का UPI का देखा जाएगा, सिस्टम में फंड ट्रांसफर फ्रेंड देखा जाएगा, स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने मिलेगा, कारण अकाउंट सर्विस फ्रेंड पूरी डिटेल्स आपको फ्रेंड्स मिले फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बताऊँ सर्विस पे, सर्विस जाएंगे यहाँ पे मोबाइल DTH रिचार्ज का ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ मिलेगा, बिल पे करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे अपना बिल पे कर सकते हो, अपना बिजली का बिल यहाँ से पे कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको बिजली ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड मोर पे आता हूँ फ्रेंड्स यहाँ से, यहाँ कार्ड सर्विस पे जाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा लॉग डेबिट कार्ड,
अनलॉक डेबिट कार्ड। अगर आपका एटीएम कहीं खो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ से आप डेबिट कार्ड को लॉक करके अनलॉक भी कर सकते हैं। बहुत आपको फ्यूचर आपको ये एप्लीकेशन फ्रेंड्स आपको मिलता है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन फ्रेंड्स यार। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं माय अकाउंट पे चलाता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी अपने पासबुक चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने कैसे देखा फ्रेंड्स, अपने इलाहाबाद बैंक का पासबुक कैसे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद है, तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।